मेरा दिल बदल दे, 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 मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिरस वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बहुत ज्यादा गुनाहगारी में कब थकावट है। मैं आप सब भाइयों की मोहब्बत को देख के मुझे खुशी हो रही है कि अहले ईमान का इतना बड़ा मजमा शायद ही कभी कभी जमा होता होगा। तो तकरीर करने के लिए पाकिस्तान में बहुत मजमा है, लाखों लोग जमा हो जाते हैं, तो आप तो 6-7 हजार होंगे, 8 हजार होंगे, लेकिन मेरी नजरों में आप 8 लाख से भी ज्यादा हैं, कि जहां आप मौजूद हैं यहां इतनों का जमा होना लाखों के बराबर है। तो महज अगर मैं अपने इल्म का कोई करिश्मा दिखाने या अपनी कोई खिताबत दिखानी होती तो मुझे पाकिस्तान काफी था। मैं एक पैगाम लेकर कर रहा, उस पैगाम को आखिरी सांस तक पहुंचाना मैं अपने जिम्मे समझता, और वो ये है कि जहां रहो इसकी कोई कैद नहीं। अगर मक्के मदीने की कैद होती तो सहाबा की कब्रें पूरी दुनिया में न बनती। जहां रहो इसकी कोई कैद नहीं, जहां मर्जी जाके अपना रिस्क तलाश करो इसकी कोई कैद नहीं, इसकी कोई पाबंदी नहीं। एक पाबंदी है, जहां रहो, जिस जगह रहो अल्लाह उसके रसूल के पाबंद बन के रहो। अब फैसला यह करना है कि मुझे अल्लाह चाहिए या यूरो चाहिए, फैसला यह करना है कि मुझे अल्लाह को राजी करना है या अपने आप को राजी करना है या लोगों को राजी करना है, फैसला यह करना है कि मुझे अल्लाह के रसूल के पीछे चलना है या अपने नफ्स के पीछे चलना है या लोगों के पीछे चलना है, मुझे जहन्नम से बचना है या यहां की धूप और गर्मी और सर्दी से बचना है और भूख और प्यास से बचना है, मुझे अल्लाह चाहिए या मखलूक चाहिए। तो हमारा इल्म जो कि नाकिस है, इंसान जाहिल पैदा होता है, तो इसलिए उसको रहबर की जरूरत है। हर इंसान सीखता है, कोई इंसान सीखे बगैर नहीं चलता। मां के वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, अल्लाह ने तुम्हें मां के पेट से निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे। लिहाजा सीखना इंसान की मजबूरी है। अब जो कि हमारा इम्तिहान है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम में अमल को कौन बनाता है और अमल को कौन बिगाड़ता है, इसका इम्तिहान है। तो अल्लाह ने दो रास्ते खोले, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, एक रास्ता तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाता है, एक रास्ता तुम्हें शैतान तक पहुंचाता है। एक रास्ते के आखिर में अल्लाह और जन्नत है, एक रास्ते के आखिर में शैतान और जहन्नम है, तुम्हें फैसला करना है। व हदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते खोल के दिखा दिए, खोल के, इतना खोल के दिखा दिए हैं
फिर गलत करने वाला ये नहीं कह सकता कि जी मैंने पता कोई ना, शराब बेचने वाला ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था कि शराब बेचना हराम, उसे पता है मैं हराम कर रहा हूं, रास्ता अल्लाह ने खोल दिया है। सच बोलने वाले को पता है कि सच में इज्जत है, मैं इसलिए सच बोल रहा हूं। अल्लाह ने दोनों रास्ते खोल दिए। जिना करने वाला कभी नहीं कहता मैं ठीक कर रहा हूं, कहता गलत कर रहा हूं। निकाह करने वाला नहीं कहता मैं गलत कर रहा हूं, कहता मैं ठीक कर रहा हूं। सही तोलने वाले को पता है मैं सही कर रहा हूं, गलत तोलने वाले को पता है मैं गलत कर रहा हूं। अब दो टीचर हैं, उनमें से एक टीचर आपने चुनना है, दो टीचर हैं उनमें से एक आपने चुनना है, दो राहबर हैं आपने एक को चुनना है। एक शैतान है, उसको बनाने वाला कहता है, उसको बनाने वाला कहता है दफा हो जा, मेरी मजलिस से निकल जा, फखरुज मज़मूमन मदहूरा, निकल जा जलील और ख्वार होकर। आगे वो खुद कहता है फिर मुझे मोहलत दे, अंदर ने इला यौम युबअथून, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने कहा मंजूर है। अब उसने कहा फिर मेरी सुन ले, फबिमा अग़वैतनी, खुद टीचर बता रहा है कि मेरा निसाब क्या है, टीचर खुद बता रहा है कि मैंने क्या पढ़ाना है तेरे बंदों को, मैंने तेरे बंदों को क्या सिखाना है। मेरी बात गौर से सुनना, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, एक दुखड़ा बयान कर रहा हूं। तो वो टीचर कह रहा है फबिमा अग़वैतनी لأقعدن لهم صراطك المستقيم, तूने मुझे निकाला है अब तेरी मेरी जंग है, जो राहें तेरी तरफ जाती हैं, जिन राहों की तरफ ले जाने वाले तेरे प्यारे पाक मासूम नबी हैं, वो तेरे प्यारे बंदे हैं, मैं उसी रास्ते पर لأقعدن चौकड़ी मार के बैठूं। और इसका और ताकतवर तर्जमा पंजाबी में पथल्ला मारते बना है, समझते हो पथल्ला मार, उठण का ना ही ना लड़ू, क्या मैं चौकड़ी मार के बैठू, फिर क्या सिखाऊंगा, सुम्मल आती अन्ना हम बिन बैन ऐदी हैं, उनके सामने गलत पेश करूंगा, वह मिन खल्फ हैं उनके पीछे गलत पेश करूंगा, वन ऐमान हैं उनके दाएं तरफ गलत पेश करूंगा, वन शमाइल हैं उनके उल्टे तरफ गलत पेश करूंगा, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ इतनी गलत तस्वीरें पेश करूंगा, इतना गलत इलम पेश करूंगा कि कोई आगे भी देख के फंसेगा, कोई पीछे देख के फंसेगा, कोई दाएं देख के फंसेगा, कोई बाएं देख के फंसेगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, क़यामत का दिन देख लेना थोड़े ही तेरे फरमा बरदार होंगे, बाकी सारे मेरे ही मुरीद होंगे। अब वो टीचर साफ कह रहा है कि मैंने ये करना है, क्या करना है, इन्नमा यदु हिस्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर, मैं इन्हें बुलाऊंगा, मैं इन्हें सिखाऊंगा, किस लिए, कि मैंने इन्हें जहन्नम में डालना है, मैंने इन्हें जहन्नम की आग का ईंधन बनाना है। खुद जबान से कह रहा है, जबान से कह रहा है, जबान से कह रहा है। इसके मुकाबले में नबी आते हैं, दोनों की दावत में, दोनों की मेहनत में फना हो जाना होता है, नबी भी फना होता है, पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम, रब्बे इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, मेरे रब फिर मैंने भी दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक किया है, मेरी दावत का मकसद क्या है, इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम, मैं उन्हें ये सिखाना चाहता हूं और उन्हें इस बात पे लाना चाहता हूं कि अल्लाह माफ कैसे करता है, अल्लाह दुनिया कैसे बनाता है, अल्लाह जन्नत कैसे बनाता है, वो कैसे बनाता है, फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा, वो जन्नत। अब ये क्या आवाज आ गई, अब माइक्रोफोन पर मत करो, ला तुतरजम फी माइक्रोफोन। तो नबी ये बता रहा है कि दुनिया कैसे बनती है, शैतान ये बता रहा है दुनिया कैसे बनती है, अश्शैतान युअइदुकुम अल-फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल-फ़हशा, खोल खोल के कुरान ने बताया, मैं सिर्फ
इस जबान से अदा कर रहा हूं। इंसान कुछ कमी बेशी हो जाएगी, मजमून कुरान का है या मेरे नबी के फरमान का है। वो शैतान कहता है भूखे मरोगे, शैतान यादुकुम अलफ़क़्र, भूखे मरोगे, क्या करूं, चर्स बेच, शराब बेच, सुअर बेच, झूठ बोल, हेरा फेरी कर, धोखा कर, मिलावट कर, खोट कर, वयअमुरुकुम बिलफहशा, और वो तुम्हें नाफरमानी पे उभारता है कि ये कर, रोटी के थूकल से, बच्चे के थूकल से, ये तुम्हें लाएगा इधर। नबी क्या कहता है, फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। नबी कहता है ये काम ना करना, ये काम ना करना, तौबा करो, वापस आओ, और अल्लाह के आगे झुको, हलाल राहों पे चलो। अल्लाह क्या करेगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमानी निजाम तुम्हारे हक में कर देगा, बारिशें मौके की देगा, वो युमदिदकुम बे अम्वालिन व बनीन, जान में, माल में, औलाद में बरकत देगा, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए नहरों के बागात के जाल बिछा देगा, जाल बिछा देगा, जाल बिछा देगा। एक तरफ नबी का वादा है, एक तरफ शैतान का वादा है, जाओ जिस पर चलना है चलो। ये दोनों इधर नजर नहीं आ रहा, अब इधर नजर नहीं आ रहा, और मेरे नबी की नजर कैसी है, ये नजर तो दिल की कैसी होगी, ये नजर अब नमाज पढ़ा रहे, नमाज, और नमाज में आपने आगे चलना शुरू कर दिया, आगे चलना शुरू कर दिया, दीवार के साथ जाके लग गए, मेहराब नहीं हो चुकी ऐसे सीधी दीवार, फिर दीवार के साथ लग के नमाज पढ़ा, फिर पीछे हटना शुरू किया, फिर पीछे हटना शुरू किया, यहां तक के मुसल्ले के किनारे पर आ गए। तो पहली सफ के लोगों ने तो देखा, पिछलों को नहीं पता चला, सलाम फिरने पर ये पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये क्या किया, कहां खड़े हैं, मदीने में, कहां खड़े हैं, मस्जिद नबवी में, कहां खड़े हैं, छत के नीचे, और आप फरमाया कि मैं जब नमाज पढ़ा रहा था तो मुझे जन्नत नजर आने लगी। जन्नत कहां है, सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पर, पहला आसमान नजरों से दूर है, ये नीला रोशनी का रंग है, आसमान नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, जो नजर सात आसमान पार कर जाए उस नजर का बताया हुआ इल्म कैसा होगा। फिर कहा या रसूल अल्लाह पीछे क्यों हटे, कहा फिर मुझे जहन्नम नजर आई तो मैं उसको देख के पीछे हटने लगा, ये तो ये नजर है, फिर ये नजर इतनी ताकतवर है कि माजाहल बसर वमा तगा, जब मेरे रब, मेरे महबूब ने मेरा दीदार किया तो उसकी नजर में गलत नहीं देखा, सही देखा। जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो उस नजर से देखी हुई बात कैसी होगी, फिर सुनना कैसा है कि अल्लाह की बात बराह रास्त आ रही है, बराह रास्त, ला तहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह, मेरा महबूब कान लगा, सुन मैं बोल रहा हूं और तू बोल नहीं, चुप करके सुन, इन अलैना जमअहु व कुरआना, कान सुनेंगे तेरे फिर जबान बोलेगी तेरी, जबान तेरी होगी, बोल तेरे रब का होगा। तो वो बोल कैसा होगा जिसको मैं ठुठ लाता हूं, ये रोटी की तुखा भी कितने आसानी से, रोटी की तुखा भी देखो भाई, ऐसी हालत में खड़े होकर पीना भी जायज़ है, कोई फतवा ना ठोक दे। अली ने खड़े होकर पानी पिया, फरमाया मैंने किस तरह अपने महबूब को देखा पानी पीते हुए। तो जहां बैठने